एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर माया, अक्षर जीव, और इन दोनों से उत्तम परमात्मा जो इनका भरण पोषण करता है। इस क्षर अक्षर से परे है वो, तो फिर क्षर तो जड़ है, अक्षर भी मुकाबला नहीं कर सकता, वो चाहे ब्रह्मा हो अक्षर। अक्षर माने अव्यय, नित्य। जीवात्मा नित्य है ना। अस्तु, बड़ा लंबा विषय है, कहो हजार वर्ष बोले, भगवान सबसे बड़ा है और गधा भी जानता है, सभी का हृदय मानता है ये बात। अरे भाई भगवान से बड़ा कौन होगा, भगवान के बराबर दो भगवान थोड़े हो जाएंगे, भगवान तो एक में अद्वितीयम ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। अब दूसरा समझिए, भगवान और गुरु या महापुरुष बराबर होते हैं। हाँ, ये गुरु आया कहां से? गुरु नाम का कोई तत्व तो नहीं है? अरे तीन ही तत्व तो बता रहे हैं शास्त्र वेद, गुरु तत्व कहां से आ टपका? जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको महात्मा कहते हैं। पुरुष माने जीवात्मा, जो परम पुरुष को पा ले वो महापुरुष हो गया, गुरु हो गया, उसी को बोल देते हैं। जो माया के अंधकार को समाप्त करने में समर्थ हो वही गुरु है, यानी जिसने भगवान को पा लिया है वही गुरु है। तो पहले तो वो साधारण जीव था माया के अंडर में। हाँ, एक दिन भगवत प्राप्ति किया, उस दिन से वो गुरु हुआ। तो भगवत प्राप्ति होने के बाद क्या होता है? भगवान अपनी स्वरूप शक्ति का आनंद और सर्वज्ञता का ज्ञान, यानी तीन चीजें भगवान के पास है, सत चित आनंद। ध्यान दो, सत माने सनातन भगवान, चित माने ज्ञान युक्त भगवान, कभी अज्ञान छू नहीं सकता, माया सामने खड़ी नहीं हो सकती। बिलज जमानया माया परैत्यभिमुखे च बिलज जमाना। और तीसरा आनंद, उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। तो इसमें एक हम भी है क्या? सत, तुम भी सत, हम भी सत, माने नित्य सनातन। ये भगवान और जीव को जो बराबर कह देते हैं वो इसी सेंस में कहते हैं, वो भी नित्य हम भी नित्य, वो भी चेतन हम भी चेतन, दो बातों में हमारी उसकी बराबरी है, इसलिए हम कह देते हैं हम भी भगवान। ये जो शास्त्रों में वर्णन आता है, लेकिन और बातों में बड़ा अंतर हो गया। आप तो वो सर्वज्ञ है, हम अज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है, वो विभू है सर्वव्यापक, हम अणु हैं, वो एक है हम अनंत हैं, वो पिता है हम पुत्र हैं, वो भर्ता है हम भृत्य हैं, वो अंशी है हम अंश हैं, वो शक्तिमान है हम शक्ति हैं, बहुत सारे अंतर हैं। तो भगवत प्राप्ति होने के बाद और सब अंतर समाप्त हो जाएंगे,
अब वो जो ज्ञा है और हम अज्ञा है तो हम भी ज्ञा हो जाएंगे, बराबर हो गए। अब सत और चित दोनों मिल गया। अब तीसरा है आनंद, वो भी भगवान दे देते हैं, ध्यान दो, दे देते हैं कृपा करके, हम कमा करके नहीं ले सकते, हम तो भिखारी हैं ना, भीख मांगते हैं, दे दो दे दो दे दो। अगर भीख ठीक से मांग लिया तो उन्होंने दे दिया, उसी को भक्ति कहते हैं आप लोग, भीख मांगने को भक्ति कहते हैं, सरेंडर कहते हैं, शरणागत हो जाओ वो दे देंगे। तो अब आनंद भी उनका मिल गया, ज्ञान भी उनका मिल गया, और सनातन तो वो और हम दोनों थे ही, अब बराबरी हो गई, सत चित आनंद। इसलिए वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, भोग मात्र साम्य लिंगाच, यानी आनंद भोगने और ज्ञान युक्त होने और नित्य होने के दृष्टिकोण से हम बराबर हो गए। नारद जी ने भी कह दिया अपने भक्ति दर्शन में, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और महापुरुष में भेद नहीं रह जाता, भेद ही नहीं है। अरे वो दो है ही नहीं, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं आचार्यम माम बिजानियात, मुझको समझो, आचार्य अलग है ऐसा नहीं, वो गुरु जिस दिन बना वो मैं हो गया, यानी भगवान हो गया, यानी भगवान उसके अंदर गवर्न करने वाला हो गया, अब माया हट गई। ये हम लोग 84 लाख में घूम रहे हैं अज्ञानी बनकर, दुख भोग रहे हैं, क्यों? उसका रीजन माया, यया सम्मोहितो जीवा। वेद व्यास ने जब साधना की, नारद जी ने कहा भक्ति करो और भगवान और जीव और माया तीनों का दर्शन करो, तो साधना किया और साधना करके उन्होंने तीनों को देखा, भगवान को भी दर्शन किया और जीव को भी देखा और माया को भी देखा, ये तीनों तत्व। तो जीव माया भगवान में, माया से मोहित जीव माया वर्क करवा रही है हमसे, जो गलत काम कर रहे हैं हम लोग, भगवान को भूले हुए हैं। तन्माया तो 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 37वां श्लोक प्रख्यात है, आप लोग जानते हैं, भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्य दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया। माया के कारण हमारी बुद्धि गलत रास्ते पर जा रही है। अब जब जीव भगवान के सन्मुख हो गया, जुष्टम जदा पश्चात्यन्यमीश मत्स महिमानमिति बीत शोका, वेद कह रहा है 4वें अध्याय का श्वेताश्वतरोपनिषद का 7वां मंत्र, ये जीवात्मा जो पीठ किए है परमात्मा के, ये जब अबाउट टर्न हो गया, सामने हो गया, तो माया चली गई। जब माया चली गई तो अब जीव का वर्कर भगवान हो गया। ध्यान दो, ये भगवान, ये माया, ये जीव, ये बुद्धि, ये मन, ये इंद्रियां,
तो भगवान न्यूट्रल, जीव के आइडियाज उसके कर्म नोट करता है, और इस जीव और भगवान के बीच में माया, वो जीव को मोहित किए हैं। तो उस माया के कारण जीव माइक बुद्धि वाला होकर माइक मन को माइक इंद्रियों द्वारा माइक कार्य कराती है। अब जब ये अबाउट टर्न हो गया तो माया हट गई, अब भगवान कर्ता हो गया, वर्कर हो गया, अब भगवान से गवर्न होगा जीव, जीव से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां। यानी भगवत प्राप्ति के बाद वो व्यक्ति, वो जीव कुछ नहीं करता, उसका कर्म भगवान करता है, उसकी छुट्टी क्यों करे, वो तो पा चुका, आनंद पा चुका। तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तस्य कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। शास्त्र वेद सब नमस्कार करके चले जाते हैं, क्यों, उनका काम खत्म, भगवान से मिला दिया, अच्छा नमस्ते मैं जा रहा हूं, अब औरों को लाऊंगा। शास्त्र वेद की ये ड्यूटी है कि जीव को भगवान से मिला दे, उसके बाद फिर वो उसके ऊपर डंडा नहीं चलाएगा अपना। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, वो वेद के सिर पर पैर रखकर चलता है महापुरुष, फिर उसके लिए वेद का कायदा कानून नहीं है। छह दर्शन निवृत्त हो जाते हैं, तो उसका कर्म भगवान करता है। हम क्यों रामायण को मानते हैं, तुलसीदास ने लिखा है, अरे तुलसीदास का लिखा हुआ अगर हो तो कृपालु तो अक्षर अक्षर काट दे। अरे कोई व्यक्ति लिखेगा तो उसमें गड़बड़ी होगी। पुंदोष शंका पलंक कंक से सर्वथा असंस्पृष्ट भगवत वाणी है वो, इसलिए नतमस्तक होकर हर महापुरुष को मानना पड़ेगा। ये रामायण राम वाणी है, ये गीता श्री कृष्ण वाणी है, ये भागवत श्री कृष्ण वाणी है, इसलिए उसके मान्यता है, क्योंकि उसका बरकर भगवान है, दिखाई पड़ता है वो है, लेकिन वो है नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ भगवान गवर्न करता है। इसीलिए अर्जुन से भगवान ने बाहर से कहा, अर्जुन मार मार सबको मार, देख मैंने पहले सबको मार दिया है, तू तो बाण चलाए जाए से उठ पटांग, मारूंगा मैं, लोग देखेंगे तू मार रहा है। तो प्रत्येक कर्म का कर्ता जब भगवान है, तो भगवान का ये वाक्य उद्धव से कि आचार्यम माम बिजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप मान, मेरे बराबर नहीं, मैं ही उसके भीतर बैठकर वर्क कर रहा हूं। फिर कहा भगवान ने, यस्य साक्षात भगवती, सातवें स्कंद के पंद्रहवें अध्याय का 26वां श्लोक, वो साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है महापुरुष। नारद जी का वाक्य है, युधिष्ठिर से कहा उन्होंने, सातवें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक, तो साक्षात भगवान है, इसलिए आचार्यम माम बिजानियात। देवता बांधवा संत, संत
आत्मा हमेव हमेव च। अरे मैं हूं मैं, वो संत नहीं है, वो तो एक बॉडी है उसकी अलग, उसके भीतर मैं गवर्न कर रहा हूं। अहमेव, एव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अहम के साथ, मैं ही हूं। ये जान लो उद्धव, उसके भीतर मैं बैठा हूं। इसलिए जो ऐसा कहा गया कि भगवान और महापुरुष एक हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक अंतर है यहां पर, समझे लेना उसको। जगत व्यापार वर्जम, ये सृष्टि करना, सृष्टि की देखभाल रक्षा करना, सृष्टि का प्रलय करना, ये तीन काम कोई महापुरुष कोई गुरु नहीं करता। भगवान ने ये दिया नहीं उसको करने को, उसको बस ये काम दिया है कि देखो जब बहुत गड़बड़ हो जाए संसार तो तुम जाके ठीक कर आया करो। तो महापुरुष लोग अवतार लेकर के आते हैं हमारे संसार में, हमारे बीच में, और अनेक प्रकार के कष्ट सह करके हम लोगों को निकालने का और भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ हमारे भाई चले जाते हैं, कुछ कुछ दूर जाके रुक जाते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो इस प्रकार बराबर भी कहना ठीक है, सच्चित आनंद के दृष्टिकोण से बराबर। और सृष्टि करना कोई काम थोड़ी हो, तो गोबर गणेश का काम है, भगवान करते हैं, उनके पास वो जो योग माया की शक्ति है उसी से वो बेचारे आनंद में रहते हैं, वरना तो पागल हो जाएं, क्योंकि सारे बच्चे तो आवारा है, भगवान को मानते ही नहीं है, उनके खिलाफ है, संसारे में आपस में माँ बाप बेटा स्त्री पति बने हुए हैं, डिक्लेयर्ड है ये मेरा बाप है भगवान, अरे भगवान भगवान क्या है, ये है डिक्लेयर्ड, लिखा पढ़ी में पक्का अनंत बाप हो चुके। हाँ ये तो सही है, हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन फिर हम उसी को बाप कह देते हैं।